अब 14-15 दिन में दरार पड़ेगी। हाँ, एक में दरार पड़ेगी, दरार पड़ेगी। हाँ? उसमें से पानी से अच्छी तर करके हाँ? गोबर घोल के छिटकी देगा। हाँ? ऊपर मिट्टी और गोबर से छाप भी देगा, वापस छाप देगा, वापस छाप देगा। तो भैया हाँ, ये खाद कितना देर में तैयार हो जाएगा? ये खाद 3-4 महीना में हाँ? खाद सड़ीन तैयार हो जाएगा। 3-4 महीना तैयार हो जाएगा? हाँ, तैयार हो जाएगा। तो भैया हाँ, ये खाद तैयार होने के बाद अपने खेत में हाक सकता है? अगर अपना खेत में फसल है तो अपन डाल सकता। हाँ, अगर मान लो नहीं है हाँ, तो छांव वाली जगह पे रख दे। हाँ, जब भी फसल बोएगा हाँ, जब डाल देगा। खाली खेत में क्यों डाल सकते हैं? खाली खेत में इसलिए नहीं डाला हाँ, क्योंकि जो जीव रहे हाँ, जो धूप में मरी जाए वो। हाँ, इसलिए नहीं डाला उनको। तो भैया हाँ, ये काम किनी किनी फसल में हाक सकता है? ये में गेहूं है, सोयाबीन है, मक्का है, ज्वार है। हाँ, मतलब हर फसल में डाल सकता अपन। तो भैया हाँ, देखो काय लाभ छे के जो भी पहले मतलब कचरो वगैरह थो हाँ, वो जला देता था। हाँ, अभी जो भी कचरो खेत में से निकले हाँ, वो अब भुना डेम में डालो हाँ, और खेत में उपयोग करो, वो काम में जाए। हाँ, यो कचरो में तो पहले तुम जला जाता पहले था। जला देता तो को हाँ, अब कम से कम सब इकट्ठो करको भुना डेम में डाल दो, हाँ, वो खेत में पिछो काम आ जाए। अच्छा, तो मतलब कचरा खाद बना तुम खेत में डालो। हाँ, पिछो काम आ जाए वो। तो काका तुम किसान भाई ने क्या संदेश दोगे कि भाई अपना जो खेत में अपना बूढ़ा कुचरा निकले नहीं, हाँ हाँ, उसको ले जाकर वो गड्ढा में पटको। अच्छा, तो उससे कहीं भी अपने उपयोग लेना है तो खेत में पूरा वो गोबर मिलाई करना, अपना खेत में कहीं भी अपना खाद लगे है। हाँ, अच्छा। तो भैया हाँ, किसान भाई ने क्या संदेश दोगे? महाराज ये संदेश है किसान भाइयों को हाँ? कि जो भी कुचरो इकलो हाँ? खेत में से हाँ? वो जलाओ मत। हाँ? जो भुना डेप तैयार करके हाँ? खाद बन जाए। हाँ? और मतलब पीछे खेत में डालने से वो उपयोग हो जाए। धन्यवाद काका भैया। हाँ, मात्र जी हमको भुनाडे पर जानकारी बताई। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद।